फ्रेंड्स, ये आगे हमारा एक और ट्रैक, यहाँ से हम सीधा ऊपर सुरिंसर निकलेंगे। पानी और रेत का ट्रैक हमारा खत्म हो गया चुका है। इस ट्रैक की लेंथ झलने से इस जगह तक 6 किलोमीटर के आसपास है। 100 मीटर कम हो सकता है, 100 मीटर ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट 6 किलोमीटर ये राइड है। और अब जो स्ट्रेच अब हम करेंगे, उस स्ट्रेच में अब आप देख ही लेना कि मैं उसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाता हूँ। तो अब आप खुद देख लेना कि इसमें कितना पत्थर है। और हमारी प्रायोरिटी सबसे पहली ये रहेगी, ना ये बाइक लगे पत्थर से और ना ये जिप्सी लगे। ऑफ रोड करना है तो ऑफ रोड का सबसे पहला फंडा है कि जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी लाए हो उसी तरीके से आपकी गाड़ी वापस जानी चाहिए। अभी तक तो कोई डैमेज, बड़े अच्छे तरीके से आराम से निकल रहे हैं। और शायद मैं भी कि ये पहली स्प्लेंडर होगी कि जो ये पूरा करेगी। जब होगा तब बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे। फ्रेंड, जिप्सी आ रही है पहले।
जान दो जान दो। पत्थर देख लीजिए कितना बड़ा है नीचे। फ्रेंड्स ऑफ रोड में पत्थर भी हटाने पड़ते हैं, तो पत्थर हटा दिए हमने और निकलते हैं। पहले पापा निकलते हैं फिर सार्थक भैया निकलेंगे। Thank you.
रुक जाओ। और बहुत मुश्किल स्ट्रेच है, इतना आसान मत समझिए। ये देखिए क्या कितने कितने बड़े बोल्डर्स हैं। और मैं नेविगेट कर रहा हूँ गाड़ी को, मेरी तरफ आने दो थोड़ा सा, मेरी तरफ आ, ये पत्थर बचाना है। कितना बोलोगे, मेरी तरफ आने देना, वो पत्थर पीछे भी लग रहा है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे, बहुत अच्छे। ये देख लीजिए गाड़ी को निकालने का मतलब, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि गाड़ी हमारी नीचे से ना लगे। ये शॉर्ट्स इसलिए मैं नीचे से आपको बताया जा रहा हूँ कि देख लीजिए क्या डिस्टेंस और क्या बोल्डर्स पड़े हुए हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और अभी तक तो कृपा रही अपनी तरफ, राइट हैंड, राइट हैंड, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं बैक आने दो, नहीं यही रोक दो, यही रोक दो, यही रोक दो, यही रोक दो, एक मिनट।